tree. Bam! So good evening everyone, Assalamualaikum, this is Anshik and welcome back to my YouTube channel. Hope you people liking absolutely fine. तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करा, तो ये काफ़ी बिजी काम है. ऐसा था कि ये ब्लॉग में अपलोड करने नहीं वाला था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ब्लॉग को एडिट कर शूट हो गए और एडिट का थोड़ा बहुत बाकी था. तो मैं सोचा कि अपने बैंगलोर सीरीज का लास्ट ब्लॉग है तो ये अपलोड करना मांगता है. थोड़ा लेट हो तो चलेगा लेकिन कोई बात नहीं, अपना जो रिसेंट ब्लॉग है वो अपन कल डालेंगे. तो कल का ब्लॉग याद से देखा. तो आज के ब्लॉग में अपन बात करेंगे अपना लास्ट डे बैंगलोर में कैसा गुजरा. तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैं मुंबई टू बैंगलोर बाई टू व्हीलर ट्रैवल किया था, लेकिन इस बार ऐसा है कि मैं टू व्हीलर से ट्रैवल नहीं कर रहा क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है. तो लॉन्ग रन के लिए गाड़ी मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ. तो मैं ऐसा सोचा कि ये गाड़ी अपनी पार्सल हो जाएंगी और वहाँ जाके जो भी इसका रिपेयर का वो करेंगे कि बाद में अपन राइड करेंगे. तो आखिरी दिन का सबसे पहले अपना जो काम था बैंगलोर में वो था कि पहले सबसे पहले अपनी गाड़ी को कुरियर करना. तो कुरियर करने के लिए अपने को जाना पड़ा बैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन अपनी गाड़ी कुरियर करवाना. ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी कुरियर वो सब करके सब अपना जो फॉर्म वो सब था सब फिल करके हो गया. मोस्टली आज रात में या कल रात में गाड़ी डिस्पैच हो जाएंगी विद इन अ 24 आवर्स. इट विल रीच इन मुंबई, मतलब 24 घंटे के अंदर मुंबई में रीच हो जाएंगे. तो उसका टेंशन नहीं है. वैसे तो मैं आज सुबह की मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है 4 o'clock की, तो मैं कल रात में या परसों रात में कलेक्ट कर सकता. चलो ये काम तो ख़त्म हो गया और इसके बाद जो काम था वो अपने, वैसे तो इतने टाइम के बाद मुंबई जा रहा तो घर के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो बनती है. तो वैसे तो अपने पास अभी फिलहाल बाइक तो नहीं थी लेकिन अपनी दोस्त की स्कूटी, तो उस पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करना होगा. आज मौसम थोड़ा ठंडा है बाहर का, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, गाड़ी चलाने में मज़ा रहना है. और ये रहा अपना चिन्नास्वामी स्टेडियम, अभी इतना रात में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि पता नहीं, लेकिन ये अपना. तो रास्ते में अपने को काफ़ी भूख लग रही थी तो आप पहुँचे अपने दोस्त के कैफे पे. A few hours later. तो यहाँ होता है अपने दिन का सारा काम खत्म और अभी कुछ काम नहीं, पैकिंग वैकिंग सब हो गई, शॉपिंग हो गई, अपनी बाइक पूरी हो गई, सब हो गई. तो मैं सोचा कि क्यों ना अपनी एक छोटी सी राइड हो जाए बैंगलोर में जाने से पहले, फिर मौका मिले ना मिले कभी आएंगे बैंगलोर तो फिलहाल एक छोटी सी राइड ले लेते फिर यहाँ से. फिर वैसे तो पूरी रात सोने वाले नहीं है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अपनी फ्लाइट है, तो चले राइड पर. अच्छा आवर मैन इज लीविंग फाइनली.
चलो अभी एयरपोर्ट के लिए निकले, काफी टाइम हो गया, निकलेंगे। ए डोरिश बंद नहीं करी ब्रो, सबसे सबकी टेंशन का तो इसके डोर की टेंशन है। ये अच्छा शुक्रा है जो हैट पहन के आया। पायलट के बाजू जाना सुन, ईद मुबारक, ईद मुबारक, हम है राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। रिगार्डिंग फोटो जी, हमने सोच कर ली थी जा मिल रहा जगह हल्ले पड़े कितने बजे लाए ये हमारा ही मालूम है। इन्हें देखो फोटो देखो 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 कभी एक और राइड प्लान करेंगे बैंगलोर के लिए, और फिलहाल के लिए आज अपनी बैंगलोर सीरीज इधर ही खत्म होती है। और कल का ब्लॉग देखना भूलना मत, क्योंकि कल से अपने मुंबई की लाइफ जैसे शुरू होती है वैसे, और एक अपना छोटा सा ट्रैवल प्लान था जो एग्जीक्यूट किया था वो ज़रूर देखना। तो फिलहाल के लिए बस आज के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।